एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारा सिस्टम है सिलेक्शन का, कोचिंग का, अब एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि स्वदेशीकरण, हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हमारे मुक्केबाजी में दो बाहर के प्रशिक्षक मंगाए हुए हैं, हमारे जो देश के प्रशिक्षक हैं उनको 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है या कम मिलती है, 40,000 मिलती है, उनको हम 5-5 लाख रुपये दे रहे हैं, कोई नई बात बताते हैं, कोई नई टेक्निक बताते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कहीं से भी कोई बात सीख सकते हैं, लेकिन वो आके यहाँ पे पूरी की पूरी वही चलाते हैं। हमारे हर साल मुक्केबाजी में, इस साल को छोड़ के, भारत सरकार द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है, क्यों देती है, कि भी कोच अच्छे हैं, एक तरफ तो आप हर साल अच्छे कोचों को पुरस्कार देते जाते हो, दूसरी बात हमारे जो हिंदुस्तानी कोच हैं उनको कुछ करने ही नहीं देते, वो पीछे खड़े रहते हैं, जो बाहर के हमारे जो कोच हैं वो विदेशी कोच ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दें मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की जो मैं बात बताऊँ, आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा कैंप लगा है महिला वर्ग का, आप वहाँ जाइए, अलग अलग बच्चों से पूछिए, एक बच्चा भी खुश नहीं है उनका ट्रेनिंग का तरीका। मैं कहता हूँ कि आप उनसे गारंटी लें, उनसे बॉन्ड भरवाएं, अगर वो पदक नहीं दिला पाएंगे तो क्या वो अपना जो पैसा लिया है 5 लाख रुपये पर मंथ, क्या वो वापस करवा पाएंगे? उन्होंने हमारी पूरी पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। सुबह 9 बजे सो जाना चाहिए, हम 10 बजे सोते हैं, हमें सुबह 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए, तो हम 5 बजे उठते हैं तो हम क्यों नहीं 5 से 7 या 6 से 8 बजे ट्रेनिंग करें? हम 8 बजे उठें, 9 बजे उठें और वो अंग्रेज 9 से लेकर 11 बजे ट्रेनिंग करवाए आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम खाली पेट की हमें आदत है, हमारे संस्कारों में लिखा है कि ठीक है आप छोटा मोटा कुछ चीज़ ले सकते हैं, वो तो खाली पेट अभ्यास करेंगे, अभ्यास के बाद आप नाश्ता करेंगे, स्नान करेंगे, स्नान के बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद रेस्ट करेंगे, दोपहर को आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, मिड डे में या इवनिंग में कर सकते हैं। तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया है, सारे निर्णय वही लेता है। ये जो लड़की जो अभी गई थी, 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, यूथ में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है, इसकी ट्रायल ही नहीं ली, इसकी ट्रायल नहीं ली उस अंग्रेज ने, वो जो कहता है वही होता है। मैं ये कहता हूँ कि सिलेक्शन करना फेडरेशन का और सरकार का अधिकार है, लेकिन ये देश फेडरेशन का या सरकार के वो नहीं है, इस पर लोगों ने बहुत बड़ी शहादत दी है, इसकी आज़ादी के लिए संविधान है, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो ट्रायल जिस बच्चे को आप रिंग में नहीं उतरने देंगे, एक अंग्रेज़ की मोनोपोली लेके आप कहेंगे कि नहीं हम इसकी ट्रायल ही नहीं लेंगे, 3 बार का लगातार वर्ल्ड चैंपियन होना और उस बच्चे की आप रिंग में ट्रायल ही ना लें, सिलेक्शन करना ना करना आपके रेफरी हैं, आपके जज हैं, आप किसी को सेलेक्ट करें किसी को रिजेक्ट करें, हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन एक आप सिस्टम को ही अडॉप्ट नहीं कर रहे। इससे पहले भी 2018 के जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें एक लड़की थी, वो नेशनल चैंपियन ही नहीं थी, उसको बिना ट्रायल के, आप ट्रायल लेके तो कोई नेशनल में 4th पे रहा है उसको भी लेके जा सकते हैं, और एक जो लड़की थी उसी के वजन में 2 बार की लगातार चैंपियन थी, हमने लिखा भी, मैंने फेडरेशन को भी लिखा, मिनिस्ट्री में भी लिखा, मैंने कहा कि 2 बार की नेशनल चैंपियन है और ये आज तक चैंपियन नहीं हुई है, क्या इनकी ट्रायल नहीं होनी चाहिए? बोला नो, मिस्टर रेफेल हैं, इटली के कोच हैं, उन्होंने मना कर दिया और फेडरेशन उन्हीं की मानती है। तो मैंने ये कहा कि ठीक है आपका अधिकार है, फेडरेशन का अधिकार है किस खिलाड़ी को चुने, किस कोच को चुने, अब कोच हैं वही कोच कैंप में ट्रेनिंग देते हैं जो फेडरेशन की चमचागिरी करते हैं या स्टेट एसोसिएशन की चमचागिरी करते हैं। अभी मैं बता दूं आपको, मैं रोहतक हूं, रोहतक में कैंप लगा हुआ है, कई ऐसे कोचेज हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी भी पैदा नहीं किया, वो भारत की टीम को ट्रेनिंग देते हैं, क्यों देते हैं? वो चमचागिरी करते हैं फेडरेशन की। तो जो हम दावे करते हैं कि हमारे 2020 में इतने पदक आएंगे 2024 में, जब तक हम धरातल पे, जब हम काम को अहमियत नहीं देंगे, काम करने वाले को मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 2008 में हमारे 3 पदक थे ओलंपिक में, 2012 में हमारे 6 पदक थे, 2016 में हमारे 2 पदक थे, अभी 2020 में देखता हूँ कि टोक्यो में हम उस 6 की लाइन को क्रॉस कर पाएंगे नहीं पाएंगे। मेरा मानना है कि हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि सारे ढकोसलेबाजी है, जो ड्रामेबाजी है ये, तो वो जो पदक जब दौड़ेंगे तो आप देखेंगे जब पोडियम पे जाएंगे कौन कितने जाते हैं, ये खाली देश को मूर्ख बनाने की और भ्रमित करने की बात है। हम इतने पहले भी मंत्री ने, हमारे मंत्री जी थे, इन्होंने 10 पदक की पता नहीं कितने की बात कर दी थी 2016 में, 2 आए बड़ी मुश्किल से, वो 2 बेटियाँ थी, उन्होंने देश की लाज बताई, नहीं तो शायद खाली हाथ भी लौटना पड़ता। तो जब तक कोई पैरामीटर नहीं होगा, पुरस्कारों की बात है, अर्जुन अवार्ड की बात है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात है, इसमें भी बंदरबांट होती है, आप नीति ऐसी बताएं ना बनाएं, सीक्रेसी की बात होती है, कमेटियां बनती हैं, मैं कहता हूं कोई कमेटी को सीक्रेसी होनी नहीं चाहिए, एक पैरामीटर हो, स्पष्ट नीतियां हो, आपने अगर यहां पदक जीता आपको ये पुरस्कार मिलेगा, यहां जीता ये मिलेगा, कमेटियों की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, आप कमेटी बनाएंगे सीक्रेटी, आज मीटिंग होगी, कल होगी, ये होगी, अभी मिले हैं इनमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, काफ़ी योग्य लोग रह गए और काफ़ी अयोग्य कहेंगे हम तो उनको,
पदक दिए जाते हैं, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे पैरामीटर हों कि पूरे देश को पता चले कि भी इसने आज यहाँ पदक जीता है तो ये इसको पुरस्कार, ये सम्मान मिलेगा, लेकिन नहीं होता ऐसा।